मैं नंदलाल शर्मा, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय तेतरा, शिक्षा क्षेत्र सीयर, जनपद बलिया। जनपद बलिया बागी बलिया के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी की पहली लड़ाई और ये कह सकते हैं कि उसके संघर्ष की शुरुआत यहीं के वीर पुत्र मंगल पांडे के द्वारा जो है 1857 में किया गया था, जिसकी वजह से बलिया आज पहचान के लिए मोहताज नहीं है। बलिया ने पूरे विश्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता दिए, कवि दिए, लेखक दिए, वैज्ञानिक दिए और आज भी राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। मैं बेसिक शिक्षा परिषद में विगत 10 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा हूं और जहां तक मेरे शैक्षिक योग्यता का सवाल है तो मैंने जो है MSc वनस्पति विज्ञान से कर रखा है और विशिष्ट BTC टेट उच्च प्राथमिक स्तर का जो है टेट पास कर रखा है। मैं इस बेसिक शिक्षा परिवार से जनपद कुशीनगर से जुड़ा। कुशीनगर में मैंने जो है सहायक अध्यापक के रूप में काम करना शुरू किया और फिर वहाँ पर ही जो है मेरी पदोन्नति हुई और पदोन्नति के पश्चात अंतर जनपदीय स्थानांतरण में अपने मूल जनपद बलिया को जो है आया 2016 में, और 2016 से प्राथमिक विद्यालय तेतरा पर जो है मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। इस सेवा के दौरान मैंने जो है प्रधानाध्यापक के पद पर रहते हुए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों में अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा की है। चाहे वह जनपद स्तर के संदर्भदाता के रूप में हो, चाहे ब्लॉक स्तर के जो है संदर्भदाता के रूप में हो, दोनों जगह अपनी सेवाएं दे चुका हूँ और बहुत सारे महत्वपूर्ण शिक्षक प्रशिक्षणों को जो है संपन्न करा चुका हूँ। जहाँ तक जो है इस विभाग से जुड़ने के बाद मेरी उपलब्धियों का सवाल है, तो चाहे वो मेरा प्रथम विद्यालय रहा हो और चाहे जिस विद्यालय पर मैं कार्यरत हूँ, हर जगह मैंने परिवर्तन के लिए कार्य किया है और इन परिवर्तनों में चाहे वो विद्यालय की साज सज्जा हो, चाहे जो है बच्चों का शैक्षिक स्तर हो, सब पर जो है मैंने जो है काम किया है और नवाचारों को जो है अपनाता रहता हूँ और अन्य शिक्षक साथियों को नवाचार करते हुए देखता हूँ तो उनसे सीखने का भी काम करता हूँ और मेरा आगे भी ऐसा ही प्रयास रहेगा। मैं जितना सीखूँ उतना अपने बच्चों में जो है उसको भर सकूँ, उनको ट्रांसफर कर सकूँ, उनको दे सकूँ, यही मेरा लक्ष्य रहता है और इस लक्ष्य को पाने में ZIIEI अरविंदो सोसाइटी के जो प्रोग्राम्स हैं उसने जो है मेरी बड़ी मदद की है। चाहे वो कार्यक्रम ऑफलाइन रहे हों और चाहे वो ऑनलाइन रहे हों, ZIIEI के दोनों ही तरह के कार्यक्रम मेरे ख्याल से शिक्षकों के लिए बहुत ही अनुकरणीय हैं, अतुलनीय हैं और मार्गदर्शक हैं, जिनको अपना करके, जिनको जो है अपने शैक्षिक कौशल में शामिल करके हम अपने आप को समृद्ध कर सकते हैं और अपने बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने में उसकी मदद ले सकते हैं। मैंने ZIIE अरविंदो सोसाइटी के कार्यक्रमों से बहुत कुछ सीखा है और इसका यह परिणाम है
कि मेरे व्यक्तित्व में निखार आया है। जहां तक जो है उसका उपयोग करके सफलता अर्जित करने की बात है, तो प्रत्येक वर्ष SCERT के माध्यम से राज्य स्तर पर जो है विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, जो कि जनपद स्तर से होती हुई प्रदेश स्तर तक जो है होती हैं। मैंने उन प्रतियोगिताओं में अपनी उपस्थिति जो है दर्ज कराई है। जनपद स्तर पर भी मुझे सम्मानित होने का मौका मिला है और प्रदेश स्तर पर भी कला क्राफ्ट पपेट्री के माध्यम से शिक्षण में राज्य स्तर पर भी मैं सम्मानित हो चुका हूँ और अरविंदो सोसाइटी के द्वारा भी मुझे जनपद स्तर पर 2 बार सम्मानित होने का अवसर मिल चुका है। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि ZII EI व अरविंदो सोसाइटी के कार्यक्रम हर तरह के शिक्षकों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में है। और ये भी बताना चाहूँगा कि जो शून्य निवेश नवाचार हैं वो शिक्षकों के द्वारा आजमाए गए हैं, परिणाम उत्पादक हैं, इसलिए मैं इनको अपनाने की राय देता हूँ, सलाह देता हूँ और मैं स्वयं जो है इसको अपनाता हूँ, अपने शैक्षिक कौशल को जो है सुधारने में, उसकी श्री वृद्धि करने में। तो आप सब भी जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। इसका ऐप भी मौजूद है, उस ऐप का भी आप सहारा ले सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।